लगता है इस डाइन को हम पर संदेह हो गया है। अब हम क्या करें? हम चाहे तो इस डाइन का अंत अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा किया तो सारी डाइने सतर्क हो जाएगी और सब भाग जाएंगी। फिर हम उस असली कालचक्र यंत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करें? चुप रहना ही अच्छा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने बच्चे ढूंढ रही हूँ। कब से खो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा बड़ा बेटा खो गया और अब मेरी छोटी बेटी थी वो भी कहीं मिल नहीं रही है। आपने देखा उन्हें? वो तो खरगोश, खरगोश के साथ खेल रहे होंगे। यहाँ इतने सारे खरगोश जो है, ये तो एक मामूली औरत है, तो फिर वो धुआं कहाँ से निकला था? तो धुएं की गंध और आवाज यहां से आ रही थी। अब तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे। मतलब कहीं और ढूंढ लो, यहां तो नहीं दिख रहे। हाँ, पता नहीं कहां होंगे, कहां होंगे। तुम क्या, किसी को भी अपने बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। ओ शंभू सपेरे, ये नागिन को पकड़ना है ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। और अगर वो नागिन मिल गई ना, तो उसकी खबर हम तुम तक पहुंचा देंगे। तू तेरा सामान समेट और निकल यहाँ से। चल निकल, जा जा भाई, जा। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। चलो शंपू, कहाँ है सांप? ओ अंकल, शंपू अंकल, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सामान उठाकर? बाबूजी, इस गरीब के साथ मजाक मत करो। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेरी जरूरत नहीं है, निकल जाओ। मजाक तो तू कर रहा है मेरे साथ, मैंने कब कहा तुझे जाने के लिए? हाँ, और ये तो हमारे साथ अंदर सीढ़ी ढूंढ रहे थे। हाँ, है ना? मिल गई। हाँ। आप अंदर थे तो बाहर कौन था? कौन? अरे बाबा, मतलब वो पिंकी नागिन थी जो बाबूजी का रूप लेके यहाँ आई थी। कहाँ है सांप? अरे बाप रे, तो ढूंढो ढूंढो, मुझे ढूंढो। तब ई नागिन को ढूंढो, वरना वो बैंक में जाएगी और मेरे नाम से लोन ले लेगी। तो बापूजी, नागिन पैसा नहीं, बदला लेती है। पता है, मैंने एक फिल्म भी देखी थी, नागिन का बदला। अभी फिल्म को छोड़, नागिन को पकड़, ढूंढो कहाँ है वो नागिन। ये म्यूजिक सुन के ये नागिन नाचने लगी।
और अपने आप अपने असली रूप में आ जाएगी। यस। हाँ, और फिर हम उसे पकड़ कर ये टोपरी में बंद कर देंगे। अरे महेश बेटा, मैं नागिन नहीं, तेरा बाबू। नाच नागिन नाच। अरे मैं तुम लोगों को कितनी बार बोलूं कि मैं नागिन नहीं हूँ, अमृत लाल डगली हूँ और अटक गया हूँ। क्या? अगर ये अटक गए तो फिर ये तेरे बापूजी हैं। सॉरी, मुझे खोलो। खुल गया। अरे लेकिन मेरी पिंकी नागिन कहाँ है सांप? और तू पारे? ओए, ये गुब्बारे फोड़ना छोड़ और चल बाहर चल के कुछ और बच्चों को खरगोश बनाएंगे। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा और बच्चों को खरगोश बनाते। हाँ चल। परी है और बालवीर की मदद करने आई है। तेरी इतनी हिम्मत, बताओ और कौन कौन है तेरे साथ? कौन है मेरे साथ? कोई नहीं है मेरे साथ। मैं ऊपर से जा रही थी और मैंने नीचे खरगोश देखी। नीचे आने पर मुझे पता चला कि बालवीर इस तस्वीर में कैद है। फिर उसकी मदद के लिए मैं गुब्बारे छोड़ने लगी। ओ, तो तू बालवीर की मदद करना चाहती है? चल, हमारे साथ इस तस्वीर के अंदर चल और वहां जितने चाहे गुब्बारे छोड़ना। तू बालवीर की जान बचाना और मैं बालवीर की जान मुश्किल में डालूंगी। खूब मजा आएगा इस खेल में, खूब मजा आएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां से भाग जाऊं? नहीं, अगर मैं यहां से भाग जाऊंगी तो तस्वीर में हवा नहीं जाएगी, इसलिए अभी तो इसकी बात मानने में ही भलाई है। चल। गाल परी, अब तुम यहां अपने पैर जमीन पे नहीं रख सकती, तुम्हें हवा में उड़ना होगा, समझे? और अगर तुमने जमीन पे पैर रखने की भी कोशिश की तो बालवीर और बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। चल जा हवा में और जाके हवा के गुब्बारे छोड़। जा।
क्या कर रहे हैं? बालवीर, लगता है वो डायन गालपरी को यहाँ जबरदस्ती लाई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जिस जगह पर मेरा जादू काम नहीं कर रहा है, वहाँ गालपरी अपने जादू की मदद से हवा के गुब्बारे कैसे छोड़ रही? बालवीर, क्योंकि अब मैं तुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दूंगी। अब मैं तुझ पे इतने वार करूंगी कि तू कुछ भी सोचने समझने लायक बचेगा ही नहीं। पिताजी हूँ। सॉरी बाबूजी, वो इच्छा भारी नागिन है ना, कोई किसी का भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए चेक कर रहा था। मैं भी चेक कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। महेश, ये धुन क्यों बंद कर दी? ये मेरी फेवरेट धुन है, लगाइए ना, मुझे नाचना है। स्मिता, यहाँ नागिन नहीं मिल रही है और तुम्हें अपने डांस की पड़ी है? हाँ पड़ी है, ये मेरी फेवरेट धुन है, ये मुझे बहुत पसंद है, कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए। महेश लगाइए ना, मुझे नाचना है। अरे अभी नहीं, बजाइए। अरे अब मैं थक गई, मुझे थोड़ा आराम करना है। अरे अरे स्मिता, अरे वो सीढ़ी लेके कहाँ जा रही हो? अरे स्मिता रुको। स्मिता मेरी बात सुनो। स्मिता वो सीढ़ी, अरे नागिन को पकड़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। महेश अगर इसी तरह चलता रहा ना तो सब्जियों के लिए भी लोन लेनी पड़ेगी।
पिता तुम? मैं सच कह रही हूँ, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों को छोड़ो, अगर तुम स्मिता हो तो वो कौन थी? इच्छाधारी नागिन पिंकी। मैं अभी आता। ये देखिए ये सीढ़ी टूटी हुई है और वो अंदर नहीं है। रंग में आ गई नागिन, रंग में आ गई है। और जब नागिन रंग में आती है तो बेवकूफ होती है, खतरनाक हो जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। देखो डायनो, कैसे बड़े बड़े पहाड़ उठाने वाला बालवीर इस छोटे से पत्थर से चोट खा के धूल में गिरा पड़ा है। फिर उठो, अब देखना मैं कैसे इसकी सारी अच्छाई और सच्चाई को मिट्टी में मिला दूंगी।